तो जय हिंद दोस्तों, फाइनली अभी अभी यूपी SSSC PET रिजल्ट 2023 को अभी अभी यहाँ पर जारी कर दिया गया। तो किस प्रकार से अपने रिजल्ट को चेकआउट करना है, कहाँ पर डायरेक्ट लिंक मिलेगा ताकि अपने रिजल्ट को इजिली एक क्लिक में डाउनलोड कर पाइएगा। और अब सबको यहाँ पर डायरेक्ट लिंक से रिजल्ट को डाउनलोड करना बताने बारे, और आपको यहाँ पर लाइव रिजल्ट चेक करके आपको बताएंगे। तो आपको पूरा प्रोसेस को एक बार देख लेना और समझ लेना है ताकि आप लोग को रिजल्ट को चेकआउट करने में या डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहा हो आपको कि हमने रिजल्ट को चेकआउट करने के लिए जो EPSSC का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे आए हुए हैं। तो चलिए किस प्रकार से रिजल्ट को चेक करना बिना देरी के मैं आपको बताते हैं। तो रिजल्ट को चेक करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में कोई से ब्राउजर को ओपन कर देना। आपको यहाँ पर क्या सर्च करना आप लोग बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो आपको सिंपली से जानकारी अपडेट आपको लिखकर सर्च करना है, JAN आपको KARI जानकारी अपडेट आपको लिखना है। अपडेट आपको लिखकर क्या करना है कि सर्च कर देना है आपको। जैसे जानकारी अपडेट आप लिखकर सर्च करेगा तो जो फर्स्ट में वेबसाइट आएगा जानकारी अपडेट आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप थोड़ा सा नीचे आ जाएगा और जैसे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप यहीं पर देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं UPSSC PET रिजल्ट 2023 रिलीज्ड। यहाँ पर डाउनलोड करने का जो लिंक है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करिएगा तो आपको डायरेक्ट नीचे आ जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट से भी अपना रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं आपका रिजल्ट यहाँ पर कब जारी किया गया है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा डाउनलोड UPSSC PET रिजल्ट 2023, जो क्लिकर का ऑप्शन दिख रहा है, इस क्लिकर के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेगा तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपके पास इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा। अब आपको रिजल्ट को चेकआउट करने के लिए जो भी आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको फिल करिएगा, और यहाँ पर फिल करने के बाद आपका जो भी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हो क्या करना है कि डेट ऑफ बर्थ को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर और आगे जो प्रोसेस है आपको हम बताते हैं, तो आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना है। उसके बाद जैसे आपको सेलेक्ट कर लेते हैं आपका कौन सा जेंडर मेल है या फीमेल आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है तो आपको इसमें जैसा दिख रहा है वैसा फिल करिएगा। और सिंपली से आपको सी रिजल्ट का जो यहाँ पर बटन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करके अपना रिजल्ट को डाउनलोड कर लेना है। कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं, या आपको डायरेक्ट जो लिंक है आपको टेलीग्राम रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट जो लिंक है हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी यहाँ पर सेंड कर दिए। तो आप लोग डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके और ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, यहाँ से भी रिजल्ट को एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड लिंक लिखा है, सिंपली से इस लिंक पर क्लिक करके अपने रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में।